ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर रविवार 19 मई को शाम ईरान के अजरबैजान के पास क्रैश हो गया, जिसमें हेलीकॉप्टर सवार सभी लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत का अमेरिका से सीधा कनेक्शन तो नहीं, लेकिन जिस हेलीकॉप्टर में रईसी सवार थे वो हेलीकॉप्टर जरूर अमेरिका का ही था। इब्राहिम रईसी की मौत में यही अमेरिकी कनेक्शन सामने आया है। रईसी की मौत में अमेरिका भले ही सीधे तौर पर जिम्मेदार ना हो, मगर ये हादसा उसके हेलीकॉप्टर में ही हुआ है। जोकड़ियां सामने आई हैं उससे ये स्पष्ट है कि इब्राहिम रईसी कैसे अमेरिकी प्रतिबंधों की भेंट चढ़ गए। जिस हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हुई, वो हेलीकॉप्टर बहुत पुराना और बहुत बेसिक सा चॉपर था। चूंकि ईरान पर अमेरिका ने दशकों से कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं, ऐसे में उसके पास लेटेस्ट तकनीक से लैस विमान और चॉपर्स खरीदने की सुविधा नहीं है। यही वजह रही कि रईसी को पुराने और आउटडेटेड हेलीकॉप्टर में सवार होना पड़ा, जिसका निर्माण दशकों पहले ही बंद हो चुका है। फिलहाल ईरान इस मामले पर चुप है। ईरान में रईसी की मौत के बाद 5 दिनों का राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस हादसे के बाद ईरान के लिए क्या बदलने वाला है, और क्या इस वजह से अमेरिका और इजराइल से उसकी दुश्मनी पहले से और ज्यादा बढ़ने वाली है। इस सवाल का जवाब तो आने वाले समय में छुपा है, लेकिन इसको लेकर भारत में विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि इस मामले में अमेरिका का कनेक्शन साफ है। पुराने प्लेन की वजह से हुए हादसे की थ्योरी से अमेरिका बच नहीं सकता। ईरान के वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से वापस आ रहे थे, पहाड़ी इलाका था, बारिश हो रही थी और फॉग था और रात का समय है। तो अभी तक तो जो सारे अंदाजे हैं वो ये है कि एक एक्सीडेंट है, और रात भर ढूंढा जाता रहा और अभी कुछ समय पहले ही इसकी लोकेशन मिली है, और जहां तक कहा जा रहा है कि कोई भी सर्वाइवर बचा नहीं है। तो अभी तक तो ऑब्वियसली पूरा एस्टीमेट जो लिया जा रहा है वो यही है कि ये एक एक्सीडेंट है, जो कि वेदर कंडीशंस के कारण और वेदर कंडीशंस के साथ हो सकता है ह्यूमन एरर, यानी कि पायलट का एरर कंबाइन हो गया हो, उन दोनों चीजों के चलते ये क्रैश हुआ है। राष्ट्रपति का चॉपर होगा तो उसकी मेंटेनेंस और हर चीज उसकी टॉप क्लास होती है, परंतु एक बात है, ये जो हेलीकॉप्टर था ये अमेरिकी ओरिजिन का था, तो पुराना हेलीकॉप्टर था। और याद रखिए, ईरान सैंक्शंस में है अमेरिका द्वारा बड़े लंबे समय से, तो इसमें प्रश्न ये भी उठता है कि जो इनकी मेंटेनेंस या स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनकी अनअवेलेबिलिटी के कारण ईरान के एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस पूरी उस हिसाब से शायद नहीं हो सकती जितनी होनी चाहिए। परंतु फिर भी जो प्रेसिडेंट को कैरी कर रहा है हेलीकॉप्टर, वो आई थिंक ईरानियन अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग तो फुल्ली प्रॉपरली टेक्निकल रूप से पूरा स्ट्रांग होगा, पूरा फिट होगा, तभी उसको वो उड़ाते हैं, क्योंकि अपने टॉप ऑफिशियल्स को वो किसी ऐसे अनमेंटेन्ड या इल इक्विप्ड हेलीकॉप्टर से नहीं ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो जहां तक ईरानियन अथॉरिटीज की बात है, उनके हिसाब से तो हेलीकॉप्टर पूरी तरह से फिट होगा, एयरवर्दी होगा। परंतु हाँ, ये क्वेश्चन आ रहा है कि इतना पुराना हेलीकॉप्टर था और अमेरिकी सैंक्शंस हैं, तो उसके चलते क्या इस हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस में कुछ कमी रह गई थी जिसके चलते ये क्रैश हुआ। विदेशी मामलों के जानकार ने यह भी कहा कि ये सब कुछ अब ईरान पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान की जनता चाहेगी कि इस मामले में इसराइल को कसूरवार ठहराया जाए, भले ही उसका हाथ हो या ना हो, तो ईरान को मजबूरन ऐसा करना होगा। आने वाले वक्त में फिलहाल के लिए तो एक तो ईरान के अंदर रिएक्शन देखना होगा कि ईरान की पब्लिक में किस तरह का इमोशनल रिएक्शन आता है। अगर ईरान की पब्लिक इमोशनल रिएक्शन में इसराइल को ब्लेम करती है, चाहे कि कोई तथ्य ना भी हो, तब ईरान की लीडरशिप को शायद कुछ अपना कदम उठाना पड़ेगा, दिखाने के लिए भी देखो हम भी कुछ कर सकते हैं। मतलब साफ है कि फिलहाल तो ईरान इस मामले पर चुप है, लेकिन आने वाले समय में ईरान अमेरिका या इसराइल के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन जरूर ले सकता है। इस संभावना से फिलहाल तो इनकार नहीं किया जा सकता। टाइम्स ऑन भारत डिजिटल की रिपोर्ट।